नमस्कार। बेटियां शुभकामनाएं हैं, बेटियां पावन दुआएं हैं, बेटियां जीनत हदीसों की, बेटियां जातक कथाएं हैं, बेटियां गुरुग्रंथ की वाणी, बेटियां वैदिक ऋचाएं हैं। अजहर हाशमी की इस कविता को गुनगुनाते हुए आपने प्रदेश के तमाम नेताओं को सुना होगा, लेकिन जुमलों और कसीदों के इन सरदारों ने बेटियों की व्यथाएं कभी नहीं सुनी। प्रदेश के मुख्यमंत्री तो स्वयं अपने आप को इन बेटियों का मामा कहते हैं, ये सब इनकी भांजियां हैं, लेकिन प्रदेश में भी बेटियां सुरक्षित नहीं है। प्रदेश क्या, जहां मुख्यमंत्री रहते हैं, प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी बेटियां सुरक्षित नहीं है। इन बेटियों के दुश्मन प्रशासन को नजर नहीं आते हैं। आइए हम कुछ कहानियां आपके समक्ष लेकर आए हैं, देखिए फैसला आपको करना है कि क्या हो रहा है हमारे प्रदेश में बेटियों के साथ जुल्म अत्याचार, कब तक सहेंगी ये बेटियां। ऐसे ही वहशियाना हरकतों की दास्तान है 31 अक्टूबर 2017 की। शाम का वक्त था, यूपीएससी की तैयारी कर रही विदिशा की रहने वाली एक छात्रा राजधानी के एमपी नगर जोन 2 में अपनी कोचिंग संस्थान से घर जा रही थी और हबीबगंज स्टेशन के नजदीक पैदल जा रही उस छात्रा का रास्ता कुछ बदमाशों ने रोक लिया और मुंह दबाकर उसे एक छोटी पुलिया के नीचे झाड़ियों में ले गए और उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दे दिया। 3 घंटे तक दरिंदे छात्रा के साथ हवस का खेल खेलते रहे। जुल्म की हद तो तब हो गई जब दरिंदों की ज्यादती से बेहोश उस छात्रा को कपड़े देने गए दरिंदों के 2 और साथियों ने उसका रेप कर लिया। लेकिन ये जुल्म भला किसे दिखते हैं? ऐसी ही एक और घटना है। 160 बदमाशों का जुलूस निकालने का दावा करने वाली भोपाल पुलिस कितनी सख्त है, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि अभी एक सप्ताह में ही राजधानी में छेड़खानी की कई घटनाएं हो चुकी हैं। 24 मार्च को बैरागढ़ में 12वीं की छात्रा के साथ एक आरोपी ने छेड़छाड़ की। इसी दिन राजधानी के जहांगीराबाद क्षेत्र में मदरसे से लौट रही छात्रा के साथ एक आरोपी ने छेड़छाड़ करते हुए मारपीट तक कर डाली और इसी दिन ऐशबाग क्षेत्र में बदमाश ने एक छात्रा के साथ रास्ता रोक कर छेड़खानी की। इसी तरह का एक और वाकया आपको बता दें, 28 मार्च 2018 यानी कि अभी 2 दिन पहले ही मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में बीटेक अंतिम सेमेस्टर की छात्रा के साथ कॉलेज के एक इवेंट में उसके क्लासमेट ने ही वहशियाना हरकत कर दी। इन घटनाओं के अलावा राजधानी में इस एक सप्ताह में कोही फिजा छोलाद और टीटी नगर थाना क्षेत्रों में छेड़खानी की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इसी तरह राजधानी स्थित एम्स के छात्रावास की छात्राओं के साथ भी छेड़छाड़ करने और धमकाने की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। इसी साल जनवरी माह में भोपाल के पिपलानी थाना क्षेत्र में एक युवती ने कुछ वैश्यों के प्रताड़ित करने के बाद फांसी के फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी और ये तो कुछ ही घटनाएं हैं। यदि राजधानी में थानों की खाक छानी जाए तो ऐसी कई घटनाएं सामने आ जाएंगी। ये तो कुछ घटनाक्रम थे जो हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किए। प्रदेश में कई हिस्सों में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। बेटियां स्कूल जाती हैं, कोचिंग क्लास जाती है या कॉलेज जाती है, जब तक घर लौट कर नहीं आती माता पिता हमेशा परेशान होते हैं, शंकित रहते हैं कहीं कुछ उसके साथ अनर्थ नहीं हो जाए, और लगातार इस तरह की घटनाएं भी होती आ रही है। आइए कुछ माता पिताओं और बच्चों की चिंताओं से आपको अवगत कराते हैं, उनसे जानते हैं कि वे किस तरह से परेशान हो रहे हैं इस तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर। महिलाएं और बेटियां असुरक्षित महसूस कर रही हैं। ऐसा क्या हो रहा है, इसे समाज में ऐसा क्या परिवर्तन आता जा रहा है कि असुरक्षा की भावना बढ़ती चली जा रही है? हम पहले महफूज थे और आज नहीं है, क्यों, ऐसा क्या बदलाव आया? ये बदलाव मैं बताती हूँ आपको, ये बदलाव मानसिकता का बदलाव है, सोच का बदलाव है। ये बदलाव लड़कियों में नहीं है, ये बदलाव पुरुषों में है, पुरुषों की मानसिकता में है। जहाँ लड़कियाँ स्वतंत्र स्वच्छंद हो रही हैं वहाँ पुरुष उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, उनकी बाहर निकलने का फ़ायदा उठाया जा रहा है और अब ये फ़ायदा इस कदर तक गिर चुका है कि अब लड़कियों को बाहर निकलने में बहुत कष्ट होने लगा है। उन माता पिता को कष्ट हो रहा है जो अपनी बेटियों को वो स्वतंत्रता देना चाहते हैं, वो आसमान को ऊंचाइयों को छूने देना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक रोड़ा अटक जाता है और माता पिता को लगता है कि क्या हम अपनी बेटी को आज भेज सकते हैं पढ़ने के लिए, बाहर नौकरी करने के लिए, कुछ काम करने के लिए? कि क्यों, किस लिए, कहाँ जा रही है हमारी सोच और हमारा समाज? कानून है लेकिन कानून को सख्त होना बहुत ज़रूरी है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि कम से कम हम इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएं कि जो सज़ा होनी चाहिए
इन रोगों के प्रति वो सज़ा सख्त से सख्त हो, उसका जल्द से जल्द पालन हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स इनको डील करें और उसके बाद सज़ा इतनी सख्त होनी चाहिए कि दोबारा कोई इस तरह की हरकत करने से हमेशा के लिए डरे। हमारा समाज जहाँ पर स्त्रियों का सम्मान करा जाता है, जहाँ स्त्री शक्ति को हम आदर सम्मान देते हैं, दुर्गा की स्थापना करते हैं, वहीं इतना अपमान अच्छा नहीं है। इसके बारे में समाज को अब सोचने का समय आ गया है, सोचेगा जरूर। देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि औरतों को रेप और छेड़छाड़ जैसी चीज़ों का सामना बड़ी निडरता से करना चाहिए और ऐसे कई सारे गवर्नमेंट ने प्लान्स और पॉलिसीज़ बनाई हैं, जैसे कई सारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं और कई सारी एप्लीकेशंस हैं जिसपे हम अपनी प्रॉब्लम्स उन तक पहुंचा सकते हैं और उन पर सख्त कार्रवाई भी आजकल की जाती है और हमारा मीडिया भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी एक्टिव है। ऐसे कई सारे टेलीविजन शोज़ जैसे सावधान इंडिया और उड़ान जैसे कई सारे शोज़ इस चीज़ के ऊपर बनाए जाते हैं कि औरत अपनी सुरक्षा कैसे करे और अपना ध्यान कैसे रखे। कई सारी ऐसी चीज़ें और कई सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स और टूल्स आते हैं जो हमें सेल्फ डिफेंस सिखाएं, जिनसे हम अपना सेल्फ डिफेंस कर सकें और हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में इस चीज़ की एजुकेशन हमें दी जानी चाहिए। क्यों आज औरतें इतनी असुरक्षित हैं? क्यों आज वह डर के साए में पलती हैं? क्यों हर पल वह घर से निकलने से डरती है, चाहे वो एक बहू हो, बेटी हो, माँ हो, छोटी हो या बड़ी? क्यों हर पल वो उनका अस्तित्व खतरे में होता है? पहले माँ बाप इसलिए डरते थे कि बेटी पैदा करेंगे तो उनका वंशज कौन चलाएगा, उनका घर कैसे चलेगा। लेकिन आज माता पिता बेटी पैदा करने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें यह लगता है कि उनकी बेटी समाज में कैसे सुरक्षित रहेगी। एक लड़की आज अपनी मर्जी से ना कुछ पहन सकती है, ना किसी से बात कर सकती है, ना कुछ काम कर सकती है। अगर वो कुछ लड़कों से बात करती है तो लोगों को लगता है कि इस लड़की का चरित्र खराब है। क्या यह सोच सही है? यह सोच बिल्कुल गलत है। अगर हमें लड़कियों को सुरक्षित रखना है, उनके अस्तित्व को बचाना है, तो हमें अपनी सोच बदलनी होगी। लड़कियां चाहती हैं उड़ना, इस आसमान में अपनी मर्जी से रहना, लेकिन लोग उन्हें रहने नहीं देते। हमें अपनी सोच बदलनी होगी, हमें अपनी सोच में बदलाव लाना होगा, तभी हमारा देश, हमारे घर की लड़कियाँ, हर कोई सुरक्षित रह पाएगा। प्रदेश में जनता करे तो क्या करे, माता पिता परेशान हैं, बच्चियों के साथ इस तरह की जो शर्मनाक घटनाएं हो रही है, प्रशासन को इस ओर ध्यान देना होगा, प्रदेश के मुखिया को खास तौर पर चेतना होगा। अगर वे सिर्फ अफसरान को निर्देश देते रहे कि इस तरह की कोई घटना हुई तो अफसरों को बख्शा नहीं जाएगा, उससे घटनाएं नहीं रुकेंगी। निश्चित तौर पर कड़े कदम उठाने होंगे, उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान करना होगा, तभी इस तरह की घटनाएं रोकी जा सकती हैं। जिस प्रदेश में अगर बेटियां सुरक्षित नहीं होगी तो बाकी क्या, देश की जनता, प्रदेश की जनता कहां सुरक्षित है? फैसला आपको करना है।